हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड जो 10th और 12th का रिजल्ट है ये डेट कब आए है, यानी जो रिजल्ट है ये किस डेट को आएगा, कितने टाइम आएगा, वो सारा कुछ आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो भी न्यूज़ मैं बताऊँगा वो आपको कहीं ना कहीं से रिलेटेड भी बनाऊंगा, कोई फेक न्यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है, इसका डेट कितनी है, डेट है क्या, डेट है किस डेट को इसका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम आता है, तो एक्चुअली जो देखा गया है अब जितना भी बार जो रिज़ल्ट आता है वो 12 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आएगा, वो भी दोपहर को। ठीक है, जिस भी डेट को आएगा, तो किस डेट को आएगा वो भी आपको बात कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें जो डेट बताई गई थी वो 25 तारीख से 30 तारीख, यानी 25 से 30 अप्रैल के बीच में जो डेट है वो आपको यहाँ पे बताई जा रही, तो मैं इसको आपको ऑफिशियली चल के दिखा देता हूँ कि वो किस न्यूज़पेपर में भी बताई गई है। चलिए शुरू बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे NDTV जो इंडिया है, आपको पता होगा कितना बड़ा चैनल है, कितना बड़ा न्यूज़पेपर है, तो उसमें जो जो न्यूज़ पब्लिश की गई है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये डेट कब से कब है। तो देखिए नई दिल्ली यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 जल्द ही जारी किया दिया जाएगा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह आ सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने की कोई तिथि घोषित नहीं की गई। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स में रिजल्ट में हो रही देरी के लेकर नाराजगी भी है, लेकिन स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही रिजल्ट सरकारी रिजल्ट यूपी बोर्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट upmsp.edu.in और uprezults.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा। तो ये सरकारी वेबसाइट हैं ये दोनों, तो सबसे पहले तो सरकारी वेबसाइट ये है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक कर लेना, रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो पहले वेबसाइट देगा इस पर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स upmsprezults.up.nic.in और results.gov.in पर भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 वेबसाइटें आपको दी गई हैं, तो आप 4 वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर बहुत उस टाइम बहुत सारे बच्चे एक साथ लॉग इन करते हैं तो सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ये पूरे 4 के 4 वेबसाइट देख लीजिए, अगर आपको जो भी वेबसाइट ओपन हो आप उस वेबसाइट पर अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए डाल के, अपना जो भी DOV है रजिस्ट्रेशन नंबर है डाल के अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट डेट है, आगे पढ़ते हैं, तो इसका जो रिजल्ट की डेट है वो यहाँ से 25 से 30 अप्रैल के बीच में आ जाएगी, 100% आ जाएगा 25 से 30, वो भी 12 बजे से 1 बजे के बीच PM। ठीक है, यानी दोपहर को 12 से 1 के बीच में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो बस लास्ट आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।